भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठता या तनाव के द्विपक्षीय या क्षेत्रीय कारण रहे हैं, तथापि चीन की दक्षिणी एशियाई देशों में बढ़ती सक्रियता ने इन संबंधों को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के कारण भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तर्ज पर दक्षिणी एशिया उपमहाद्वीप में भी चीन ने भारी निवेश किया है। इस सदी की शुरुआत से ही चीन सार्क देशों के साथ बहुआयामी सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन मदद की आड़ में देशों को बेबस करने वाली चीन की कर्ज जाल नीति को दुनिया के साथ हमारे पड़ोसी देश भी समझ चुके हैं। इससे भारत का उसके पड़ोसियों से संबंध खराब करने की उसकी मंशा को झटका लगा है। शुरुआत श्रीलंका मालदीव से हो चुकी है। जल्द ही दक्षिण एशियाई देशों के सामने ड्रैगन की कलई खुल जाएगी। चीन दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल में निवेश के जरिए खुद को मजबूत आर्थिक तंत्र के रूप में विकसित कर रहा है तथा इन देशों में अपना कूटनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहा है। उसकी इस कोशिश को कुछ विश्लेषक चीन का कर्ज जाल बताते हैं। उनके अनुसार चीन की रणनीति काफ़ी सरल है। वह छोटे और कम विकसित देशों को ढांचगत परियोजनाओं के लिए उच्च दर्ज पर कर्जा देते हैं और परियोजना में हिस्सेदारी ले लेते हैं। बाद में जब वह देश कर्ज का भुगतान करने में असमर्थता जताता है तो चीन उसका मालिकाना हक हासिल कर लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसका एक ताज़ा उदाहरण है। चीन के बढ़ते प्रभाव के मद्देनज़र वित्त वर्ष 2018 से 2019 के दौरान भारत ने कुछ दक्षिणी एशियाई देशों को दी जाने वाली मदद बढ़ा दी है। इसमें भूटान और नेपाल शीर्ष पर हैं। भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग का बढ़ावा देना चाहिए। भारत को नए सिरे से पड़ोसी पहले की नीति को आगे बढ़ाते हुए संबंधों को पुनः परिभाषित करने की ज़रूरत है।